नमस्कार आदाब, मैं हूं फरहान और SPN9 के इस खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। गरीबों का मजाक लगातार उड़ाया जाता रहा है भारत के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से 2019 आ चुका है, लगातार गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है। जिस तरह देश में गरीबी बढ़ती जा रही है, अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है, बेरोजगारी के कारण लोग जान दे रहे हैं, युवा जान दे रहे हैं, जिनके पास नौकरी नहीं रह गई है या छूट गई है वह भी आत्महत्या कर रहे हैं। गुजरात भी इसकी जद में आ चुका है, गुजरात मॉडल की हवा निकल चुकी है, लेकिन यहाँ अभी भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को मजाक सूझ रहा है, वह मजाक करते हुए नजर आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं सुब्रमण्यम स्वामी की। पहले हम बात करते हैं उन्होंने बीते दिन क्या कहा था। उन्होंने बीते दिन यह कहा था कि भारत की अर्थव्यवस्था गिरने का कारण जो भी हो, लेकिन उसको सुधारने का कारण उन्हें पता है। उन्होंने कहा है कि करेंसी जो रुपया होता है, हमारा नोट होता है, उसमें लक्ष्मी जो कि देवी हैं हिंदू धर्म में, धन से संबंधित माना जाता है उन्हें, उनकी तस्वीर छाप दी जाए तो भारत की अर्थव्यवस्था सुधर जाएगी। यहां हम कोई देवी या देवताओं का अपमान नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह बहुत ही बचकाना और बेतुका बयान था। जहां पर भारत सरकार, खुद संविधान हमें विज्ञान के रास्ते पर आगे बढ़ने की बात कहती है, कहा जाता है कि हमें उन बातों पर ही विश्वास करना है। हम आस्था के संबंध में नहीं कह रहे हैं, बल्कि किसी कार्यशैली के संबंध में कह रहे हैं, जहां कोई कार्य करके ही हम अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, किसी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं, ना कि हम श्रद्धा और आस्था द्वारा उत्पादन कर सकते हैं किसी वस्तु का, ना ही हम अर्थव्यवस्था को बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो एक तस्वीर मायने नहीं रखती है, नोट में कुछ भी हो सकता है। यदि हम यहाँ, अगर हमने लक्ष्मी की तस्वीर नहीं छापी है, तो जिस तरह डॉलर के रेट इतने ऊंचे जा रहे हैं, तो वहाँ भी तो कोई किसी भगवान या ईश्वर की तस्वीर नहीं है नोट में, वहाँ भी तो एक व्यक्ति विशेष की तस्वीर है नोट में। तो इस बात को हम कैसे मुद्दा बना सकते हैं? यह सुब्रमण्यम स्वामी जो कि वरिष्ठ नेता हैं, उनका बयान था। अब मौजूदा समय में क्या बयान दे रहे हैं, वह अति निंदनीय है। वह यह कह रहे हैं कि जिस तरह देश की अर्थव्यवस्था गिरती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, गरीबी आ रही है, तो यह करने में भी दिमाग ही चाहिए है, बिना दिमाग के यह भी नहीं हो सकता। बहुत सोचनीय बात है कि दिमाग लगाया जा रहा है इस संबंध में कि देश में किस तरह से अर्थव्यवस्था को नीचे ले जाया जाए, देश को गरीब बनाया जाए, उसमें भी दिमाग की आवश्यकता है। दिमाग लगाकर आप यह कार्य कर रहे हैं और बाद में यह भी कह रहे हैं कि मैं मजाक कर रहा था। यहां लोग बेरोजगारी से जान दे रहे हैं, किसानों की जाने जा चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कोई भी प्रोडक्शन हो किसी प्रकार का, सब में एक कमी देखने को मिल रही है। खाद आदि इतना महंगा हो चुका है, डीजल और पेट्रोल की, किसान को जुताई करवाने में, अपने खेत को बोने में, कटाई कराने तक एक लंबा पैसा खर्च करना पड़ता है, जो कि महंगी हो गई हैं आवश्यकता की चीज़ें, चाहे वह डीजल हो, पेट्रोल हो, ट्रैक्टर का रेंट देना हो, तमाम चीज़ें, चाहे वह बिजली का बिल हो, उसमें सिंचाई करनी है, पानी देना है खेतों में, यह सब चीज़ें महंगी हो चुकी हैं। लेकिन जब मांग नहीं है मार्केट में, तो उन्हें अपना अनाज सस्ता बेचना पड़ता है। यह समस्या है किसानों के साथ, और गरीबों के साथ तो आपको पता ही है क्या है, रोजगार नहीं बचे हैं, अर्थव्यवस्था नीचे गिरती जा रही है। तो यहाँ सुब्रमण्यम स्वामी कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था गिराने के लिए भी हमें दिमाग चाहिए है, हमने दिमाग लगाया है तब अर्थव्यवस्था नीचे गिरी है जाकर। यहाँ गरीबों का मजाक उड़ाया जा रहा है, पहले भी उड़ाया जाता था। सुब्रमण्यम स्वामी ने भले ही कह दिया है या उन्होंने मजाक किया है, लेकिन यह बचकाना और बेहुदा बयान है सुब्रमण्यम स्वामी का। इस संबंध में आपको क्या लगता है? आपकी राय बहुत ही महत्वपूर्ण है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना बिल्कुल भी ना भूलें। कार्यक्रम को लाइक अवश्य कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए इजाज़त चाहूँगा, नमस्कार।